नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आई टेक्नोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव को कैसे हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ड्राइव की, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव या आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव हो वो आप हाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप उसे अनहाइड कैसे कर सकते हैं, और ये मैं आपको बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के सीएमडी के जरिए बताऊंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम आपको ड्राइव दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमारे पास टोटल दो ड्राइव है, ड्राइव सी और ड्राइव डी। तो हमारा यहाँ पे डी ड्राइव में डाटा है। हम यहाँ पे इसको हाइड करके देखते हैं। आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ड्राइव हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रन कमांड पे जाना होगा। विंडो प्लस आर दबा के भी आप रन कमांड में जा सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करें डेस्क पार्ट और ओके करें, यहाँ पे सीएमडी ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डेस्क और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जितनी भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ड्राइव होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ड्राइव का साइज भी शो हो जाएगा। यहाँ पे हम डी ड्राइव को हाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखिए सिलेक्ट डेस्क 0, देन प्रेस एंटर। नाउ दिस इज द सिलेक्टेड डेस्क। अब हम टाइप करेंगे लिस्ट वॉल्यूम। यहाँ पे आपने जितने भी पार्टीशन ड्राइव के किए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। इनमें से कुछ सिस्टम हिडन भी हो सकते हैं, कुछ आपको जो ड्राइव में नज़र नहीं आते वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने डी ड्राइव की। इसके लिए हमको सिलेक्ट करना होगा वॉल्यूम 2। यहाँ पे हमारे वॉल्यूम 2 का नाम है हैकर्स वर्ल्ड। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम 2, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। हमारी वॉल्यूम 2 सिलेक्ट हो गई है, इट मींस हमने वॉल्यूम 2 सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद टाइप करेंगे रिमूव लेटर डी, क्योंकि हम डी ड्राइव को हाइड कर रहे हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि डेस्क पार्ट सक्सेसफुल रिमूव द डी ड्राइव। अब आप अपने माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो आपको अपनी डी ड्राइव हाइड मिलेगी। अब चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं, और फिर से हमें ज़रूरत पड़ती है डी ड्राइव की। उसके बाद हम अगेन हम विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करते हैं, देन टाइप डेस्क पार्ट, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए लिस्ट वॉल्यूम और एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे आपको शो होगा जितने पार्टीशन अपनी डिस्क के हैं, तो सभी यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पे हमको डी लेटर हटा हुआ मिलेगा, इसका मतलब ये ड्राइव हाइड है। अब हम इसको दोबारा से ऐड करेंगे, टाइप करेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम 2 और प्रेस एंटर। उसके बाद आएगा वॉल्यूम 2 इज सिलेक्टेड। उसके बाद टाइप करेंगे असाइन लेटर डी। यहाँ पे आप जिस ड्राइव को अनहाइड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब आप देखेंगे माय कंप्यूटर में जाके देखेंगे कि आपकी जो डी ड्राइव है वो अनहाइड हो गई है। यहाँ पे आप एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि आप कभी अपनी सी ड्राइव को हाइड नहीं करेंगे, उससे विंडो करप्ट भी हो सकती है, आपका डाटा भी लॉस्ट हो सकता है। कहने का मतलब है कि जिस ड्राइव से आपकी विंडो इंस्टॉल है उसको आप हाइड नहीं करेंगे। ये था एक छोटा सा प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप किसी भी ड्राइव को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।